हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आज 4 साल की सजा सुनाई गई। 86 वर्षीय चौटाला को सजा को लेकर हरियाणा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आज हम आपको 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके और 7 बार राज्य के विधायक रह चुके ओम प्रकाश चौटाला के उत्थान और पतन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ 2005 में उनके खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुनाया था। 2013 में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में एससी की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद चौटाला की ये दूसरी सजा है। 26 मई 2021 को अपनी उम्र और शारीरिक अक्षमता का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट से कम सजा की मांग की। उनके वकील ने ये कहा कि ओम प्रकाश चौटाला 90% दिव्यांग है, बिना दूसरे की मदद के वो कपड़े भी नहीं पहन सकते, ऐसे में उन्हें जेल में भेजकर क्या मिलेगा। बताया ये जाता है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को दरकिनार कर अपने छोटे बेटे रणजीत सिंह को राजनीतिक विरासत सौंप रखी थी। जब उनके पिता देवीलाल जनता दल सरकार में डिप्टी पीएम के रूप में दिल्ली आए तो ओम प्रकाश चौटाला 2 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। कहा जाता है कि वो अपने छोटे भाई रणजीत सिंह को साइडलाइन करके देवीलाल की राजनीतिक विरासत पर काबिज हो गए थे। संवैधानिक मान्यताओं के तहत 6 महीने के भीतर उन्हें एक चुनाव जीतने की जरूरत थी, इसके लिए वो 3 बार उपचुनाव लड़े। आप सोच रहे होंगे कि उन्हें 3 उपचुनाव क्यों लड़ने पड़े, तो आपको ये बता दें कि बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बाद पहला उपचुनाव रद्द कर दिया गया था, दूसरा भी निर्दलीय उम्मीदवार आमिर सिंह की मौत के कारण रद्द हुआ था। बाद में आमिर सिंह की हत्या के लिए चौटाला को दोषी माना गया। आखिरकार तीसरा उपचुनाव वो अपने गृह जिले के दरबा कला से लड़े और जीत पाए। 1996 में जस्टिस केन सैकिया आयोग ने उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आमिर सिंह की हत्या के लिए सहायक के रूप में दोषी ठहराया तो उनकी पार्टी को मजबूरी में बनारसी दास गुप्ता को सीएम बनाना पड़ा। हालांकि 2 महीने के बाद ही 2 जुलाई 1990 को चौटाला फिर से सीएम बन गए, लेकिन पार्टी के भीतर भारी दबाव के कारण उन्हें 5 दिनों के भीतर फिर पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुकुम सिंह ने पदभार संभाला लेकिन उन्हें भी 8 महीने के बाद चौटाला के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। यानी कि जांच आयोग की ओर से हत्या के सहायक के रूप में अभियोग लगाए जाने से भी उनके राजनीतिक जीवन पर ब्रेक नहीं लगा। 1999 में चौटाला बीजेपी के समर्थन से फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने और 2000 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर इनेलो को बहुमत दिलाई। अब जानिए कि चौटाला को राजनीतिक झटका कब लगा। कथित तौर पर कहा जाता है कि चौटाला एक बार दिल्ली हवाई अड्डे पर घड़ियों की तस्करी करते पकड़े गए तो उनके पिता देवीलाल ने उन्हें ठुकराने की घोषणा की। बताया जाता है कि उस वक्त चौधरी देवीलाल ने अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश से रिश्ते इस कदर तोड़ लिए थे कि पार्टी कार्यालय तक उन्हें घुसने की इजाजत नहीं थी। लेकिन देवीलाल के उप प्रधानमंत्री बनते ही ओम प्रकाश ने ऐसे तख्ता पलट किया कि विधायक न रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे। हालांकि उनके पतन की कहानी तब से शुरू होने लगी जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने 2002 में आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलाई जिसमें 17 किसानों की मौत हो गई। इससे किसान इनेलो से नाराज होने लगे। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौटाला के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के आदेश दे दिए और सीबीआई चौटाला के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। अब तक अपने राजनीतिक करियर को बेखौफ आगे बढ़ाते रहने वाले चौटाला को असली झटका एक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद ही लगा। चौटाला को 3,206 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया। उन्हें अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों के साथ तिहाड़ जेल में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा काटनी पड़ी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2 जुलाई 2021 सजा काटकर बाहर आए तब उन्हें फिर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहरा दिया गया। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी ने आरोप ये लगाया था कि वर्ष 1993 और 2006 के बीच 7 बार के विधायक रहे चौटाला ने 6.09 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक थी। हालांकि बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज केस के रूप में खारिज कर दिया था। अब जानिए कि इससे हरियाणा की राजनीति पर क्या असर हुआ होगा। माना जा रहा है कि चौटाला को मिली सजा से हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से खड़ा करने की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है।
ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरा होने के बाद इनेलो में जान फूंकने और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने की कोशिश में लगे हुए थे। चौटाला देश में विपक्षी एकता और भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं से मिल भी रहे थे। अब इस मुहिम को झटका भी लगेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।